फॉर्म में, इस ऑर्बिट में ना रहे कि वो काज कर सके। दूसरी बात है कि उन हाथों को नाक तक, मुंह तक, गले तक, नाक नॉस्ट्रल के अंदर, मुंह के अंदर नहीं लेके जाना, अवॉइड करना है। इसलिए हम मास्क पहनते हैं। मास्क भी हम अगर यूज करें तो 3-ply का मास्क हो, ताकि एयर फिल्टर होकर अंदर जाए और वायरस बॉडी के अंदर दाखिल ना हो। दूसरा, ऐसे लोगों से अवॉइड करें जिनको कोई ना कोई डिजीज है, जिसको खांसी है, जिसको बुखार है, जिसको टेम्परेचर है, जिसको कोई डिजीज है। ये प्रॉब्लम उस वक्त होता है जब इंसान की इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है। वीक लोग या ओल्ड एज के लोग वो ज़्यादा प्रोन होते हैं, उनको इस तरह की डिजीज ज़्यादा होती है। आप उनसे एक खास डिस्टेंस पे रहना है, सोशल डिस्टेंस पे रहना है, 3 से 6 फुट तक उनसे रहिएगा। और इसमें आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा मिलना जुलना ना हो। जैसे हम लोग हैंडशेक करते हैं, हैंडशेक नहीं करना, बगल गिर नहीं होना, मिलना नहीं है। कोशिश करें कि इतने फासले पे रहें कि अगर कोई आदमी सांस लेता है उसकी ब्रीदिंग थ्रस्ट तक ना पहुँचे, एक्सहेल की भी एयर वहाँ तक ना पहुँचे, इतने फासले पे हों। और इसमें ये कोई गुस्ताखी नहीं है, हमारे दीन ने हमें इस चीज़ का बताया हुआ है। हमारे मजहब बड़ा वाजे है कि अगर कोई वबा आती है, कोई बीमारी होती है, उसको तदबीर से, उसको हिकमत से टैकल करो, तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करो।